हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को देना होगा एक और परीक्षा। आपको बताते चले कि बिहार में 3,55,000 नियोजित शिक्षक है और अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, समान काम समान वेतन को लेकर के। लेकिन बिहार सरकार 27 मार्च 2018 को फिर से यही कहेंगे कि नहीं दे सकते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 मार्च की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि केंद्र और राज्य के समान वेतन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेरा काम है सिर्फ आदेश देना। आपको बताते चले कि बिहार सरकार जो है समान काम के बदले समान वेतन नहीं दे करके वेतन में 20-25% या 25-30% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है नियोजित शिक्षकों को देना होगा एक और परीक्षा और वेतन की बढ़ोतरी उन्हीं शिक्षकों की जाएगी जो इस परीक्षा में पास होंगे। तो फाइनली अब ये देखना है कि 27 मार्च 2018 को जो सुनवाई होने वाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार सरकार के इस फरमान को लेकर के क्या निर्णय लेते हैं। अब देखना ये है। हालांकि नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि नियोजित शिक्षकों को मिलना ही है समान काम के बदले समान वेतन।